हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मूविंग एवरेज इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। ये स्ट्रेटेजी की मदद से आप इजीली 30 to 1 हाफ में आप इजीली 5 to 10,000 रुपीस प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है विद बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, सो स्ट्रेटेजी है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, द मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। चार्ट आपको लेना है कि नशी का चार्ट लेना, टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए जा रहे हो इसलिए 5 मिनट्स, इन्वेस्टिंग के लिए जाओगे तो डेली चार्ट आपको देखना पड़ेगा। 3 पीरियड EMA, 13 पीरियड EMA एंड 34 पीरियड EMA, ये तीनों EMA आपको लेना है, इंडिकेटर आपको सेट करना है अपने चार्ट पे। ओके, कंडीशन क्या है, बाई कंडीशन क्या है? बाय कंडीशन तब होती है जब 13 EMA शुड बी अबाउट 34 EMA। जब 13 EMA 34 EMA के ऊपर जाता है और 3 EMA अबाउट दी 13 EMA, और 3 EMA जब 13 EMA के ऊपर जाता है तो बाय कॉल जनरेट होता है, और वाइस वर्सा फॉर सेल, जब आपको सेल करना हो तब आपको 13 EMA 34 EMA के नीचे होना चाहिए और 3 EMA 13 EMA के नीचे होना चाहिए। तो हम अब इसे अप्लाई करेंगे चार्ट्स पे, लेट्स मूव टू चार्ट्स। सो इधर हम रिलायंस के चार्ट पे आ जाते हैं, ये इंट्राडे का चार्ट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जब रेड लाइन है, लेट मी शो यू स्टडीज़, मैं आपको स्टडीज़ में इंडिकेटर शो करता हूँ। मूविंग एवरेज 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये, इसका फील्ड आपको क्लोज रखना है। ओके, और मैंने कलर रखा है रेड, तो रेड वाला है वो 34 EMA है, और दूसरा दिखाता हूँ 13 EMA, 13 EMA है, क्लोज है, एक्सपोनेंशियल है। मूविंग एवरेज ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर है 13 EMA, और येलो वाला 3 EMA, पीरियड है 3, फील्ड है क्लोज, टाइप है एक्सपोनेंशियल। ओके, येलो कलर, सो येलो कलर इज 3 EMA, ब्लू कलर इज 13 EMA एंड रेड कलर इज 34 EMA। सो हमारी बाय कॉल कब जनरेट होती है, जब 13 EMA, जब 13 EMA यानी ब्लू कलर, जब ब्लू कलर होता है रेड के ऊपर और येलो कलर होता है ब्लू के ऊपर, मतलब जब 13 EMA होता है रेड के ऊपर और जब 3 EMA होता है ब्लू के ऊपर, मीन्स तब हम बाय कॉल जनरेट करते हैं। मतलब ये पोजीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाय कॉल जनरेट हुई। तो जब ये इंडिकेटर्स जब 3 EMA इन 13 EMA और 34 EMA के ऊपर आ जाता है तो आप कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट के साथ कर सकते हैं। और ये 5 मिनट का चार्ट है इसलिए आप 10 to 20 मिनट्स आप उस पर कंटिन्यूस अपर डायरेक्शन देख सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो 1 घंटे तक स्टॉक ऊपर अपर डायरेक्शन ही जा रहा है, आप देख सकते हैं इधर अपर डायरेक्शन ही जा रहा है। सो अगर आपने इधर बाय किया तो आपको 10 to 20 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिलता है। वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी भी हार्ड टू फाइंड है, ये स्ट्रेटेजी आपको कोई बताएगा नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आसान है बट अप्लाई करना आसान है, बट इसे फाइंड करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ तो आपको एक बार ट्राई करके देख लेनी चाहिए, आप इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम दूसरे चार्ट पे आते, देखते हैं मारुति के चार्ट पे। मारुति सुजुकी का चार्ट है इधर, ये चार्ट पे आप देख सकते हैं कि सेल पोजीशन क्रिएट हो रहा है। सेल पोजीशन कब क्रिएट होता है, जब 13 EMA यानी ब्लू लाइन 34 EMA यानी रेड लाइन के नीचे हो और 3 EMA यानी येलो लाइन 13 EMA ब्लू लाइन के नीचे हो, तो सेल कॉल जनरेट होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2-3 घंटे तक स्टॉक डाउनवर्ड से गया है, तो अगर सेल कॉल इधर जनरेट हुआ है, ओके, तो अगर आप इस कंडीशन पे बाय करते हैं 11:20 को, तो आप देख सकते हैं 12 अप टू 2 PM ये स्टॉक डाउनवर्ड ही गया है, आप देख सकते हैं इधर अप टू 3 PM ये स्टॉक डाउनवर्ड गया है। सो
ये थी सेल कंडीशन। अब मैं आपको दोनों बाय और सेल कंडीशन दिखाता हूँ। हम इधर देख सकते हैं बाय और सेल कंडीशन,